दूसरे राज्य से महाराष्ट्र राज्य में आते समय ट्रैक्टर माल का ट्रक चेक पोस्ट पर वजन करने के लिए रविवार को रुकाया गया। एक ही कंपनी के दो कांटे होने पर दोनों जगह पर अलग अलग वजन आने से ट्रांसपोर्ट में संदेह की भावना निर्माण हुई है। रिंकू ट्रांसपोर्ट कंपनी पिछले कई वर्षों से किसानों तक ट्रैक्टर पहुंचाने का कार्य कर रही है, मात्र उसी जगह गाड़ी के कागजात और अन्य ट्रक सही होने के बावजूद भी चेक पोस्ट पर ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रक क्रमांक MH40BL6889 को बैंगलोर से भोपाल के ट्रैक्टरों से लोड किया गया है, जो भीतर ले जाने वाले सामान के लिए सामनेर बॉर्डर चेक पोस्ट पर हिरासत में लिया गया था। ट्रक बैंगलोर से लोड किया गया था और पीपलकुत्ती चेक पोस्ट पर महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करते समय लोड किए गए मोटर वाहन का वजन 2:16 पर 19,180 किलोग्राम था और उसी ट्रक को महाराष्ट्र राज्य के सामनेर बॉर्डर से बाहर निकलते समय लोड किए गए मोटर वाहन का वजन 19,550 किलोग्राम 5:23 पर था, जो ट्रांसपोर्टरों को चिंता करने पर मजबूर कर देने वाला एक बहुत ही संदिग्ध विषय है। सामनेर चेक पोस्ट क्षेत्र है जो वजन किया है उसमें भिन्न क्यों? यह भी बहुत आश्चर्यजनक है कि दोनों वजन पैमाने एक ही प्राधिकरण सद्भाव द्वारा प्रबंधित है। यह सब एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछने की ओर जाता है और जानना चाहता है कि कौन सा वजन पैमाने वास्तविक है और आपके अधिकारियों द्वारा किए गए आशंकन की कार्यप्रणाली कितनी उचित है। ऐसा सवाल ट्रांसपोर्टरों ने किया है। वैसे ही RS के वजन पैमाने की संग्रह और भी उजागर करते हुए 160 रुपए के मामले में अगर यह अनुमेय वजन के साथ है, जो राज्य सीमाओं की चेक पोस्ट प्राधिकरणों के साथ एक गंभीर और चिंताजनक है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल द्वारा निवेदन किया गया है कि कृपया मामले की वास्तविकता को देखकर हिरासत में लिए गए ट्रक के साथ न्याय करें। चेक पोस्ट में धर्मकांटा में जो तफावत होती है उससे आम ट्रांसपोर्ट को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। भविष्य में यदि इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाने का कार्य ऐसे धर्मकांटा धारक करते हैं तो तुरंत सभी ट्रांसपोर्ट आंदोलन के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। इस पर ध्यान देने की मांग तथा कांटे को सील करने की मांग भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा इन्होंने की है। इस विषय पर RTO फासे से चर्चा की तो उन्होंने कहा है कि घटना को उचित न्याय देकर उस धर्म कांटे की चेकिंग की जाएगी, ऐसा बताया। 26/11/2020 को रिंकू कमर्शियल कंपनी की गाड़ी सावनेर बॉर्डर पर रोकी गई। यूपी गाड़ी बेंगलोर से भोपाल जा रही थी। बेंगलोर से महाराष्ट्र बॉर्डर में जब एंट्री किया तो बॉर्डर पे गाड़ी का वजन एक्चुअल सही आया और सावनेर बॉर्डर पर जब गाड़ी पहुंची तो वहाँ पे 370 किलो वजन ज़्यादा आया। एक ही कंपनी के कांटा पूरे महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, लेकिन सावनेर का कांटा बदनामी के घेरे में आज करीब बहुत सालों से है, जिसकी शिकायत प्रशासन के खुद अधिकारियों ने इस चीज़ को माना और हम लोगों ने सावनेर बॉर्डर पर जाकर इस चीज़ को जानकारी लिया कि कांटे में डिफरेंस है, लेकिन कांटे वालों का जो वरिष्ठ अधिकारी है इसमें कोई संजना नहीं ले रहे हैं। इस विषय को लेकर हमने आज विजय खरवाटे जी के ऑफिस में पहुंचे, जो यहाँ के नागपुर के ड्यूटी ऑफिसर हैं, उनको फ़ोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने वर्धा में जानकारी दी कि मैं वर्धा में हूँ और उन्होंने अपने वरिष्ठ AITO से मुलाकात करवाने के लिए उन्होंने बोले, हम लोग उनसे चर्चा किया। चर्चा करने के बाद उन्होंने गाड़ी को रिलीव करने के लिए उन्होंने बोले, लेकिन वहाँ रिलीफ करने की बात तो नहीं है। बात यह है कि जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है कांटों के माध्यम से, हम शासन प्रशासन से महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि इस ऐसे कांटों को तत्काल प्रभाव से इनकी रद्द किया जाए मान्यता और दूसरे कांटा कंपनी को संचालित करने का पावर दिया जाए, जिससे समाज, राष्ट्र, प्रदेश सभी लोग सुरक्षित रहें और सभी प्रकार से लोगों का वाहन आदान प्रदान चलते रहें और लोगों को रोजगार न छीना जाए, लोगों को रोजगार वर्चस्व बना रहे। ऐसी हम भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से नम्र निवेदन करते हैं और यहाँ के खासकर महाराष्ट्र में जो गृहमंत्री हैं वो नागपुर के ही हैं और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब नागपुर के ही हैं। हम इन दोनों नेताओं से मांग करते हैं कैसे जो भ्रष्टाचार के अड्डे बनाए गए हैं चेक पोस्टों पे कांटों के माध्यम से, सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ये लूट घसोट जारी है, ये तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, ऐसा मांग हमारी भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा की ओर से हम सरकार से करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिवाजी वाहन चालक एंड संचालक एसोसिएशन की तरफ से, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मैं आपसे आज इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि राज्य के जो धर्म कांटे हैं जो कि महाराष्ट्र चेकपोस्ट पे लगे हुए हैं,
जो धर्म कांटे का संचालन कर रहे हैं वो है सद्भाव इंजीनियरिंग। उस कंपनी के कांटे में ये देवरी बॉर्डर और ये जो सावनेर बॉर्डर पे जो कांटे लगे हैं उसकी बार बार मांग हुई है कि इस कांटे पे वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई सोच विचार नहीं हो पा रहा है। बहुत इनके पास एप्लीकेशन भी गई है। मेरी अपने नितिन गडकरी साहब जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री है और अपने जो मंत्री साहब है यहाँ से नागपुर से ही, उनसे खास गुजारिश है कि इस बारे में थोड़ा सोच विचार करें। वाहन चालक ड्राइवर इनकी तरफ भी कोई गौर करे, क्योंकि आज परिस्थिति इतनी खराब है कि रोड पे चलना ट्रक वाहन चालक को बहुत ही आपत्तिजनक हो गया है। और अभी महाराष्ट्र शासन ने 12 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जाहिर किया है कि भाई ओडीसी गुड्स पे डीए जो कि डिपार्टमेंटल एक्शन फीस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है, 20,000 रुपया की फीस कर दी है। ऐसी तो क्या डीए महाराष्ट्र शासन की लगा दिया है पब्लिक पे, आम जनता पे, कि ट्रक चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये दिन दूर नहीं है कि महाराष्ट्र शासन को सभी ट्रक मालिक एवं ड्राइवर अपनी गाड़ी और चाबी उनके दरवाजे पे खड़े करके और रोड पे भीख मांगने का समय आ गया है। भारत सरकार का ये कहना है कि भाई आप मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो, पर किस हिसाब से करें? सरकार ही हमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम किस हिसाब से आत्मनिर्भर बने? बस यही गुजारिश है, दो हाथ जोड़ के इसके बारे में सोच विचार करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।